करेंगे रोप की। आप लोग मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं तो पहाड़ों में आपको रोप की जरूरत पड़ेगी, रस्सी की जरूरत पड़ेगी ना। तो रोप की क्या डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन लिखो जरा इसकी। व्हाट इज अ रोप? रोप इज अ ग्रुप ऑफ यार्न, रोप इज अ ग्रुप ऑफ यार्न, ग्रुप ऑफ यार्न, वाई ए आर एन, ग्रुप ऑफ यार्न और फाइबर, एफ आई बी आर ई, ग्रुप ऑफ यार्न और फाइबर which is twisted, it's TWISTWED, twisted or braided together, BRWEDED, braided together in the form of longer, stronger or larger form, or larger form is called rope. Larger form is called rope. रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज अ रोप? रोप इज अ ग्रुप ऑफ यार्न और फाइबर विच इज ट्विस्टेड और ब्रेडेड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्गर, लॉन्गर और लार्जर फॉर्म इज कॉल्ड रोप। रोप क्या है? ट्विस्टेड। पहले आपने देखा होगा कि इसके बारे में सोचो, आप लोगों में से कई ऐसे होंगे कि हमने रस्सी देखी होगी पहले, वो ट्विस्टेड होती थी, मतलब छोटे छोटे यान क्या थे, उनको ट्विस्ट किया जाता था, दो तीन यान को, ताकि वो मजबूत रहे। हाथ से ट्विस्टेड करते हैं ना हम, किसी रस्सी को जोड़ना, हम तो बोलते हैं यार ये पतली है, हाथ से जोड़ते दो तीन चार को लेंगे, एक इस तरफ करेगा एक दूसरी तरफ करेगा, उसको ट्विस्ट करेंगे। अभी भी करते हैं ना, पुराने टाइम में कैसे होता था, ठीक है, पुराने टाइम में कैसे होता था, ये तो लोग अभी आए हैं। तो उस टाइम के रोप बनाते थे, उसको ट्विस्टेड किया जाता था और ब्रीडेड किया जाता था, मतलब भाई बुना जाता था ताकि वो मजबूत रहे, ठीक है। किसी को लंबा चाहिए तो लॉन्गर फॉर्म में, मतलब लंबी चाहिए तो उसको और ऐड कर देंगे, लंबा कर देंगे। स्ट्रॉन्गर मतलब कि ज्यादा, तीन से चार या चार से पांच को ब्रीड करेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और लार्जर फॉर्म हमें जितनी लंबी चाहिए होती थी उस टाइप से हम उसको ब्रीड करते थे, ठीक है। रोप का क्लियर हो गया सभी को। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी रोप की हिस्ट्री ऑफ द रोप, हिस्ट्री ऑफ द रोप 2800 साल पहले, 2800 years before, एक मनीला हेम्प, MAN, 2800 years before, उस टाइम क्या होता था, जब शुरू शुरू में रोप का यूज कर रहे थे तो एक मनीला हेम्प इज ए नेम ऑफ ए ट्री, एक प्लांट का नाम है, एक ट्री का नाम है, उससे क्या रेशे निकलते थे। जैसे आप लोगों के अभी 250 साल पहले किसने देखा मनीला हम, मेरे को भी नहीं पता है क्या होता है, पर हिस्ट्री है। अभी मैं बात करूं तो आपकी ये जो नारियल होता है ना, उससे रेशे निकलते हैं, ठीक है, उससे रस्सियां बनती थी, समझ गए। तो उस टाइम मनीला हम क्या था, एक प्लांट का नाम था, उसको ट्विस्टेड और ब्रीडेड करते क्या है, पहली बार रोप क्या वो बनाई गई थी जो आदमी ने यूज की, ठीक है। अब रोप के भी क्या है, वो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ रोप, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रोप में आएगा जो, अब इस लिस्ट में तो है नहीं, मैं भी बताऊंगा, आप में से किसी को स्लिंग मिली होगी तो उसमें जरूर होगा। अब ये जो आप रोप देख रहे हैं इसकी बात करता हूं मैं जो रिसेंटली, ठीक है, ये रोप है। अब इसमें आपको लग रहा है कि हाँ ये हमें लग रहा है कि ये की रोप है ये, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। जो इस रोप का जो आउटर पार्ट है इसमें दो लेयर है, इसको दो लेयर में क्या वो डिवाइड किया गया, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर। जो इनर लेयर है इसमें, जो इसके अंदर वाली साइड में है, चमड़ी निकाल रहा हूं इसकी मैं, ठीक है, जो ये अंदर वाले रेशे दिख रहे हैं आपको ना जी, वो लग जाएगा पता आपके पास, या वो मिली होगी तो उसमें बता दूंगा मैं। दो लेयर में जिसका इनर पार्ट है उसको बोलते हैं कोर, CORE। जो आउटर पार्ट है इसका, इसको बोलते हैं मेंटल, क्या बोलते हैं, मेंटल। इनर पार्ट इज कॉल्ड कोर, CORE,
और आउटर पार्ट है इसका कोर, सी मेंटल। आउटर पार्ट जो है मेंटल है, इनर पार्ट क्या है वो कोर है। समझ गए। अब आपको यहां पर दो रोप दिख रही है, एक हरी है और एक ये वाली है, व्हाइट वाली है, ठीक है। अब जो ये ग्रीन वाली रोप है, दिस इज द डायनामिक रोप, डायनेमिक रोप। दो प्रकार की रोप होती है, एक डायनेमिक रोप, स्टैटिक वाली है। सेकंड वाली इज स्टैटिक रोप। डायनेमिक रोप और स्टैटिक रोप। अब मैं पहले बात करता हूँ डायनेमिक रोप की। ये जो डायनेमिक रोप है, ग्रीन वाली रोप है, इसे डायनेमिक रोप क्यों बोलते हैं? इसमें जो इलास्टिसिटी होती है, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा इसको जैसे मर्जी मरोड़ दो, इसमें इलास्टिसिटी रहती है आपकी 20%, ठीक है। और जो ये डायनेमिक रोप है, इसमें इलास्टिक रोप का 9 to 11 mm, ठीक है, ओके। स्टैंडर्ड लेंथ होगी इसकी, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 2200 से 2400 kg per kg, 2200 to 2400 per kg, मतलब 2200 से 2400 kg तक ये उठाएगी, उसके ऊपर जाएंगी तो ये टूट जाएगी। समझ गए। ये जो रोप हैं, ये सारी क्या है, वो टेस्टेड रोप हैं। टेस्टेड रोप है। अब टेस्टेड कहाँ से होके आती है? ये टेस्टेड होती हैं UIAA से, यूनियन ऑफ इंटरनेशनल अल्पाइन एसोसिएशन का क्या है वो टैग लगा होता है। जब भी आप ब्रांड न्यू रोप खरीदेंगे सर, UIAA, यूनियन ऑफ इंटरनेशनल अल्पाइन एसोसिएशन, माउंटेनियरिंग का जितना भी इक्विपमेंट है, ये फॉरेन कंट्री में क्या है, वहां से टेस्टेड होके आता है। समझ गए। घबराने की बात नहीं, अब लग गया ना पता कितना उठाती है ये, 2200 से 2400, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर सभी को? यस सर। डायनेमिक रोप के बारे में, ओके। अभी हम नेक्स्ट करते हैं स्टैटिक रोप के बारे में पता करते हैं। स्टैटिक रोप, इसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ रहती है वो 60 मीटर की रहती है, सेम है, ठीक है, ओके। इसका जो डायमीटर होता है वो थोड़ा छोटा होता है, 7 to 9 mm, 7 to 9 mm, ठीक है। और इसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 1800 से 2200 kg, 1800 से। इसका सिर्फ डायमीटर, डायमीटर 7 to 9 mm मीटर में ना, 1800 से 2200 kg, 18 to 22 kN, न्यूटन में बात करें हम तो, 1800 से 2200 kg, ठीक है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगी, डायमीटर हो गया, स्टैंडर्ड लेंथ होगी, ठीक है। और इसको यूज करते हैं, लंबाई इसका 60 मीटर ही होगा, स्टैंडर्ड लेंथ 60 मीटर मिलेगा आपको कम से कम ना, ठीक है। अभी ये जो रोप है, ये है सेमी स्टैटिक। सेमी स्टैटिक क्यों है? पहले क्या होता था क्लाइंबिंग के टाइम में, अभी आपको स्टैटिक रोप बताएंगे, जब हम आप लोगों में से किसी ने रिवर क्रॉसिंग या कोई बर्मा ब्रिज का जब बेस बनाते हैं ना, जो स्टैटिक रोप होती है बहुत हार्ड होती है, हार्ड होगी मतलब इतनी ट्विस्टेड नहीं होगी वो हम आपको बताएंगे जब फील्ड में लेके जाएंगे। तो ऐसा होगा कि क्लाइंबिंग के टाइम किसी को प्रॉब्लम आने, अब जैसे कि जहाँ स्टैटिक रोप यूज होगी वहाँ स्टैटिक यूज होगी, जहाँ डायनेमिक, अब क्यों ना कि इन दोनों रोपों का, डायनेमिक और स्टैटिक का एक ही रोप बना दी जाए। तब लास्ट में एक ये रोप निकाली सेमी स्टैटिक, इसको हम रैपलिंग में भी इमरजेंसी में यूज, अब जैसे पहाड़ों में 4 लोग जा रहे हैं, हमें एक रोप की जरूरत है, हम वहाँ जरूरी थोड़ी कि 2 लेके जाएंगे, है ना, एक ही रोप से काम होगा। तो हम उस टाइम उन्होंने निकाली एक सेमी स्टैटिक रोप, मतलब ये रैपलिंग में भी यूज, मल्टीपर्पज इसको यूज कर सकते हैं, ज्यादा ये रिजिड भी नहीं होगी और ज्यादा फ्लेक्सीबल भी नहीं होगी। समझ गए। ये सेमी स्टैटिक है, सेमी स्टैटिक है, ठीक है, सेम है, उसमें ज्यादा नहीं है, उसकी इलास्टिसिटी क्या है 6 से 7% के उसमें रहती है सेमी स्टैटिक में, है ना। और थर्ड वन इज अ फिक्स रोप। तीसरी जो रोप है, एक डायनेमिक है, एक स्टैटिक है, और थर्ड वन इज अ फिक्स रोप। फिक्स रोप हमें जो मूवमेंट दुकानों में मिल जाती है, घरों में गाय को बांधने के लिए लगाते हैं, खूंटे में बांधने के लिए लगाते हैं ना, मार्केट में मिल जाती है हमको, वो रहती है फिक्स रोप।
फिक्स रोप मतलब इन द सेंस कि आप किसी क्लाइंबिंग में जा रहे हैं, ठीक है। क्लाइंबिंग में क्या होता है कि ये है कॉस्टली रोप, कल इसकी कॉस्ट बता देता हूँ मैं, कम से कम ये 15,000 से नीचे रोप नहीं होगी 60 मीटर में, ठीक है। क्लाइंबिंग में जा रहे हैं तो हम इसे छोड़ तो सकते नहीं छोड़ सकते ना। टेक्निकल पार्ट में कहा होता है जहाँ फिक्स रोप करनी पड़ती है वहां पर हम वो जो फिक्स रोप जो इजिली मार्केट में मिल जाती है उसका जो डायमीटर रहता है, उसका डायमीटर रहता है 5 से 7 mm, 5 to 7 mm, 5 to 7 mm उसका क्या वो डायमीटर रहता है। और इसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है उसकी 800 से 1000 पर केजी, 800 से 1000 केजी, ठीक है। स्टैंडर्ड लेंथ उसकी आपकी जितनी मर्जी ले सकते हैं, आपको 10 मीटर चाहिए तो 10 मीटर काट के दे देंगे, 20 मीटर होगी तो 20 मीटर काट के दे देंगे, है ना, मार्केट में मिल जाती है। तो ये कुछ रोप एंड नोट नोट के क्या रोप के क्या थे वो हिस्ट्री थी, क्लासिफिकेशन थी, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, और डेफिनेशन थी। तो इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक अभी रोप के बारे में? रस्सी है, बोलने को तो रस्सी है ना सर, ये कट लग जाएगा इसको, कभी लग जाएगा गलती से तो कट लग जाएगा, मैं वो अभी केयर एंड मेंटेनेंस में बताऊँ उसका क्या करना, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक लग गया पता सभी को? यस सर, यहाँ तक नहीं पूछना है उससे। अच्छा, उसके लास्ट में आता है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट, केयर एंड मेंटेनेंस भी जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सामान कॉस्टली है, ऐसा तो नहीं हम इसको एक बार यूज करेंगे तो फेंक देंगे, नहीं फेंकेंगे ना। तो केयर एंड मेंटेनेंस में इसको हमेशा जब भी आप यूज करते हैं उसके बाद आप लोगों ने इसको क्या वो जैसे गीली हो रही है रोप आपकी मौसम में, इसको ड्राई करके रखना है, सूखा के रखना है, ठीक है। बिफोर स्टोर यू हैव टू बी ड्राई द रोप, यानी कि आप गिल्ली रोप को क्या स्टोर में फेंक रहे हैं सीधे स्टोर कर रहे हैं, तो इसमें इसकी क्या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ में क्या वो उसका फर्क पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप इसको यूज कर लेते हैं तो उसके बाद इसको अच्छे से कॉइल करके रखना है, कॉइल मतलब अच्छे से बांध के रखना है, यानी क्या ये 60 मीटर की रोप है और आप लोग इसको क्या रफली यूज कर रहे हैं और ऐसे फेंक रहे हैं, चल भाई हो जा, है ना, इसको क्या अच्छे से कॉइल करना, कॉइल करके रखना है। कॉइल में बताऊंगा कैसे करना है, कौन कौन सी कॉइल होती है, ठीक है, समझ गए? यस सर। तीसरी बात, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है, जब भी आप इसको स्टोर करेंगे या इसको धूप में सुखाएंगे इसको डायरेक्ट सनलाइट के थ्रू नहीं रखना है। अभी ये गिली है पूरी रोप, मैं बोल रहा हूँ कि धूप अच्छी सनलाइट पड़ रही है, इसको मैं बाहर फेंक देता हूँ सूख जाएगी, उससे इसकी क्या वो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या वो कम हो जाएगी, इसको क्या वो शेड के अंदर ही इसको आना है, जैसे यहाँ धूप लगी तो यहाँ रख दो, यहाँ इसको सूख जाएगी, लाइफ कम हो जाएगी, लाइफ इसकी क्या वो कम हो जाएगी, समझ गए? हाँ जी, ओके। जब भी आप इसको फील्ड में यूज करेंगे तो शार्प एज से क्या इसको अवॉइड करना है, फील्ड में कहीं भी आप अभी आपका नेचुरल बॉल पे क्लाइंबिंग होगी, आर्टिफिशियल में क्लाइंबिंग होगी, जब इस रोप के ऊपर एक्टिविटी चलेगी तो ये कटना शुरू हो जाएगी। तो कहीं ऐसा होता है कि नेचुरल एंकर में आर्टिफिशियल एड में वहां पर क्या होता है कि शार्प एज होते हैं, शार्प एज के ऊपर ये बार बार रगड़ेगी तो इसके टूटने या ब्रेक होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। उस टाइम भी क्या करना तो वो भी बताऊंगा क्या करना होता है अल्टरनेट ना, तो उससे भी इसको बचाना होता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर हो गया? यस सर। ओके, जब भी आप इसको स्टोर करेंगे तो प्रॉपर कॉइल करके रखना है, प्रॉपर इसको ड्राई करके रखना है, ठीक है, और बस यही है इसकी केयर एंड मेंटेनेंस। एक बात है सर, अगर रूम में रखेंगे तो नीचे रखेंगे सरफेस पे तो चूहे चाय भी काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं तो इसको ऊपर टंगा के रखना पड़ेगा, टांग के रखना। मैं भी कॉइलिंग बताऊंगा ना, तो कॉइलिंग में आपका क्लियर हो जाएगा कि इसको हम कहाँ टांग के रखेंगे। एक तो होता है ना घर का जोड़ा होगा, उसको ऐसे बोर्ड फाड़ करके, अब जो घास लेने वाले लोग हैं वो भी अच्छे से उसको ऐसे नहीं फेंकते हैं, वो अच्छे उसको कॉइल करेंगे उसके बाद फिर बांध के रखेंगे ना, ताकि अगले दिन जाएंगे तो उसको अच्छे से हम लेके जाएंगे तो उलझे हुआ ना हो, ठीक है। वही हिसाब इसका, इसको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी क्वाइलिंग है, उसका क्या क्या नाम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस सर। क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है ना, 5:30 हो गए, वो अभी टॉपिक बहुत बड़ा है, बड़ा टॉपिक है तो उसमें फिर हम क्लियर नहीं हो पाएगा, अभी मेन टॉपिक आएगा आपका, ठीक है। आप लोग अपने स्लिंग लेके आए, नहीं लेके आए? नहीं सर। बाकी जाओ स्लिंग लेके आओ। 4 टाइप्स ऑफ नोट,
four types of rope. Number one, climbing knot, C-L-I-M-B-I-N-G, climbing knot. Second one is the anchoring knot. Anchoring, A-N-C-H-O-R-I-N-G, anchoring knot. A-N-C-H-O-R-I-N-G, climbing knot, anchoring knot. Third one is a joining knot. Joining knots, J-O-I-N-I-N-G, joining knots. Or fourth one is a special knot, K-N-O-T. ठीक है, climbing knot, हो गया सभी का? Okay. Climbing knot, एक rope आपके पास 60 मीटर की है ना? गांठ आप लोगों में से सभी मारते हैं, ठीक है, सीधी गांठ मार दी, मारते जाएंगे, दो चार पांच छह मार दी, ठीक है, इसके ऊपर वेट पड़ेगा तो क्या होती है, बैज हो जाती है, बैज इन द सेंस की खुलेगी नहीं है, आपने कई बार देखा होगा कि रोप खुलती नहीं, गांठ तो मार देते हैं हम, बाद में खुलेगी नहीं, रस्सी काटने पड़ती है हमको, है ना, ऐसी गांठ मार देंगे वो खुलेगी नहीं, उसको फिर काटना पड़ता है, इतनी कॉस्टली रोप को हम काट तो सकते नहीं, ठीक है, हम आपको जितनी भी मैंने चार प्रकार के नोट बताई हैं, इसमें जितनी भी नोट्स हैं ये, पहले मैं बात करूंगा क्लाइंबिंग नोट की, जो फर्स्ट नोट है इज द मदर नोट और थम नोट, ये वाली नोट है, ये थम है, हर कोई मार लेता है ये नोट है, ठीक है, इसको बोलते हैं थम नोट, क्या बोलते हैं, थम नोट, लिखो पहली नोट थम नोट, थम नोट इस क्यों बोलते हैं, ये रोप है, ठीक है, ये थम है हमारा ना, इधर देखो ये थम है, इस थम के ऊपर हम इसको घुमाते हैं और यहां से निकाल देते हैं, इस कॉल्ड थम नोट, ठीक है, सेकंड वन, सेकंड वन इज अ गाइडमैन नोट, सेकंड वन इज अ गाइडमैन नोट, जी यू आई डी ई, गाइडमैन नोट, गाइडमैन नोट में 60 मीटर की रोप है हमारे पास, जो आगे गाइड करेगा, रास्ता बताएगा, उसके कौन सी रोप, अब जो ये रोप है हमारे पास, इसके दो एंड है, दो ही एंड होंगे, ठीक है, जो एक एंड है उसको आगे वाला मेंबर क्या है वो यूज करेगा, ठीक है, उस नोट को बोलते हैं गाइडमैन नोट, कुछ नहीं करना है इसमें, एक आपने थम नोट लगानी है एक एंड के ऊपर, लगा दी गाइडमैन नोट में, एक एंड में क्या वो थम नोट लगा दी, अब इसको अपने यहां से बेस से क्या वो डालना है, समझ गए, थम नोट के यहां से बीच से इसको निकालना है, ऐसे समझ गए, हाउ टू यूज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इसको लेना है ऐसे, और इस नोट को जो इसका रनिंग एंड है, ये स्टार्टिंग एंड है, ये रनिंग एंड है इसका, इसके बीच से यहां डालना है इसको इधर, समझ गए, और इसके ऊपर आप लोगों ने फिर क्या वो सेफ्टी नोट, मदर नोट, थम नोट और थम नोट, ये तीन हो गया है एक ही नोट, ठीक है, ये देखो ये वैच हो जाएगी, जितना मर्जी खींचेंगे खुलेगी नहीं, दिख रही है सभी को, जी सर, इस नोट को बोलते हैं गाइडमैन नोट, और एक बात का ध्यान रखना है, इसका जो ये एंड बचता है ये एंड चार से चेंज का रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए, क्योंकि सर जैसे स्नो वगैरह होती है तो फिर रॉक उसमें लगेगी, तो हाँ आप उसके ऊपर रॉक हो स्नो हो आइस के ऊपर जो भी आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको ये इरिटेट ना करें, है ना, काम करते हुए इरिटेट ना करें, तो इसका चार से चेंज के वो एंड रहना चाहिए, समझ गए, इस नोट का बारे में पता चल गया सभी को, थम नोट लगा ली इजीली, ठीक है, थम नोट लगा ली, लेफ्ट टू राइट इसको कैसे पहनना है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इसको पहन लिया, जो इसका जो ये रनिंग एंड है, ठीक है, इसको यहां से बीच से डालेंगे इधर, और इसके ऊपर क्या है वो सेफ्टी नोट लगा देनी, ज्यादा फंडा नहीं है,
इसका एक बात का ध्यान रखना आप लोग, जो इसका एंड जो बचेगा ना वो कितना बचना चाहिए, 4 से 6 इंच, 4 से 6 इंच बचना चाहिए। और इसकी क्या अपने ड्रेसिंग का देनी पड़ी है करके, है ना, देखने को अच्छी लगे। हो गया जी सर, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, कौन सी रोप के दो एंड है हमारे पास, ठीक है, एक एंड मैंने पहन लिया गाइड मैन ने, बीच का जो मेंबर है वो भी तो रोप को पकड़ेगा, वो कौन सी रोप लगाएगा, नोट लगाएगा, मिडल मैन, मिडल मैन नोट, कुछ नहीं करना है, रोप का मिडल को निकालना है और वहां पर क्या लगा देना है, एक थंब नोट लगा देनी है, एक थंब नोट वहां पर लगा देनी है, ठीक है, वो कुछ नहीं करना, उसने ऐसे करके उसको वेयर कर लेना है, और ये भी नहीं कि इतनी खुली भी नहीं छोड़नी कि यहाँ से ऊपर से डाले और नीचे से निकल जाए, ठीक है, उसको प्रॉपर क्या वो टाइट करना, वेस्ट के ऊपर क्या वो टाइट करना, समझ गए जी सर। थर्ड वन कौन सी नोट है, मिडल मैन नोट, समझ गए इधर तक जी सर। लास्ट में सर ये राइट साइड रखनी है फिर लेफ्ट साइड, अब वो कंडीशन के ऊपर, जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ना, बिल्कुल सर, तो पार्टी किसी तरह लेफ्ट साइड पे जाती है, यहाँ से ट्रेवर्स कर रहे हैं आप सब, तो आप राइट साइड आएगी, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं तो राइट साइड आएगी, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर आएगी, समझ गए। ओके, थर्ड फोर्थ वन इज अ एंड मैन नोट, रोप का एंड है, लास्ट एंड जो है रोप का, ठीक है, कुछ नहीं करना उसको, लास्ट मेंबर जा रहा है, रोप यहाँ खत्म हो रही है, ठीक है, मैं लास्ट मेंबर हूँ, मेरे से आगे ये रोप जा रही है ना, तो उसका जो पहले हमने जो इसका रनिंग एंड था जी, ठीक है, उसको हमने उसकी तरफ फॉलो किया था, इसका जो एंडिंग एंड है हमने उसको पीछे की तरफ किया, वो उसका स्टार्टिंग एंड है ना, गाइड मैन में तो आगे की तरफ रहेगा, एंड मैन में उसका जो लॉक बनेगा पीछे की तरफ बनेगा, बस यहाँ पर क्या आपने सेफ्टी मार्क लगा देनी है, इसकी ड्रेसिंग कर देनी है, समझ गए इधर जी सर। एंड मैन ये कौन सी नोट होगी, एंड मैन, एंड मैन नोट होगी, हम नोट, गाइड मैन, मिडिल मैन और एंड मैन, एंड मैन, ठीक है, ओके, कितनी 4 हो गई जी सर। क्लाइंबिंग नोट में फोर्थ नोट आती है बो लाइन, बी ओ डब्ल्यू एल आई एन ई, बी ओ डब्ल्यू एल आई एन ई, बो लाइन नोट और यूनिवर्सल नोट, इसमें एंकरिंग नोट में थी, क्लाइंबिंग नोट में, क्लाइंबिंग नोट में, कौन सी नोट है, बो लाइन और यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सर, बो लाइन और यूनिवर्सल, यूनिवर्सल नोट, इसके एक एंड रहेगा इधर, आप लोगों ने इधर एक इनर साइड एक ग्रूव बनाना है, एक इनर ग्रूव बनाना है, उसको ट्विस्ट करना है, और जो ये एंड है इसको यहां से पास करना है, समझ गए, और यहां पर क्या वो सेफ्टी नोट लगा देनी है, समझ गए जी सर, कुछ इस तरह के इसका वो शेप बनती है। अब ये देखो सेफ्टी नोट का क्या फंडा रहता है, इसमें सेफ्टी नहीं लगाएंगे तो एक एक टाइम आएगा ये रिलीज हो जाएगी, यहाँ से लूज होती है, निकलना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है, सेफ्टी नोट क्या वो लगाना बहुत जरूरी है, कुछ भी नहीं करना है, एक इनर रूप बनाना है अंदर की तरफ, देखो इनर रूप बनाया, इस रोप को यहाँ बीच में लेके गए, इस लूप पे यहाँ एक और लूप बनाया, और इस लूप के यहाँ से बीच से इसको डालना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, इस वाले लूप को इसके ऊपर रखना है, इसको टाई कर देना है, ठीक है, ऐसा है ना, पहले यहाँ देख लो, आप समझ लो ना, रूम में आपके पास टाइम मिलेगा।
डायनेमिक 2-3% डायनेमिक में 20% और स्टैटिक में 2-3%। ठीक है, क्लासिफिकेशन का पता चल गया इसका, कितने पार्ट में डिवाइड है और इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी इसमें 20% क्यों ज्यादा है, जब आप क्लाइंबिंग करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऊपर चढ़ रहे हैं इसको बांध के, ठीक है, आपका फॉल हो जाता है, 20 से आप गिर जाते हैं, बंधा तो ऊपर है पर आपको जर्क जाएगा, 2 फुट का भी फॉल होगा तो जर्क जाएगा, तो इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, वो आपको क्या वो जर्क कम करेगा, जर्क को क्या वो रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी। ठीक है, तो क्लाइंबिंग के टाइम में क्या है वो डायनेमिक रोप को क्या वो यूज किया जाता है। समझ गए? जी सर। हाँ, इधर तक कंप्लीट हो गया? जी सर। ओके, डायनेमिक रोप का मैं आगे गेज करता हूं अभी, इसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ रहती है, स्टैंडर्ड लेंथ की कितना लंबी होगी है? इसकी स्टैंडर्ड लेंथ रहती है 60 मीटर, 60 मीटर की, कम से कम 60 मीटर की आपको स्टैंडर्ड लेंथ मिलेगी इसकी, वो आपके ऊपर आगे 80 लेनी 80 मिल जाएगी, 120 लेनी, पर इसे कम से कम आपको 60 मीटर की इसकी स्टैंडर्ड लेंथ मिलेगी। ठीक है, और इसका जो डायमीटर रहता है, डायमीटर मतलब कितनी चौड़ी है, कितनी मोटी है, इसका जो डायनेमिक रोप है इसका डायमीटर रहता है 9-11 mm। अब ये दो नोट है ना, एक का डायमीटर बड़ा है एक का छोटा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है हमें दोनों नोट बराबर ना मिले, एक छोटी हो एक बड़ी हो। ठीक है, अनइक्वल डायमीटर के लिए क्या है वो जो नोट लगी उसको बोलते हैं सिंगल शीट बैंड। कौन सी? सिंगल शीट बैंड। सिंगल शीट बैंड, सिंगल शीट बैंड कुछ ये एंड है रोप का। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, जिसका जो लूप बनेगा उसका डायमीटर बड़ा होना चाहिए। जैसे इस रोप का डायमीटर बड़ा, ये मोटी है ये पतली है, इसको जोड़ना हमने ना, तो ऐसे एक लूप बनाना है और इस एंड को यहां से क्या वो पास करना है। ठीक है, इस एंड को यहां से पास करेंगे और अपने थंब से इसको ऊपर क्या वो थंब से इसको यहां से बीच से निकालना है, ऐसे एक बैंड बनाना है, क्रॉस बनाना है, और दोनों साइड क्या वो सेफ्टी नोट लगानी है। कौन सी नोट लगानी है? सेफ्टी, सेफ्टी नोट लगानी है ऐसे। सिंगल शीट बैंड फॉर अनइक्वल डायमीटर, समझ रहे हैं? जी सर। एक बार फिर बता देता हूं मैं, जिसका डायमीटर बड़ा है उसका एक लूप बनाना है ऐसे, ठीक है, जिसका डायमीटर छोटा है उसको यहां से पास करना है इस लूप से, और अपने थंब के ऊपर से वहां पर एक बार क्या वो उसको क्रॉस करना है, क्रॉस करने के बाद जहां से आपका थंब निकल रहा है उसको वहां से क्या वो पास कर देना है, पास होगी? ठीक है, दोनों साइड क्या कुछ ऐसा क्रॉस बनेगा। ठीक है, और उसके ऊपर फिर आप लोगों ने क्या करना है? सेफ्टी, सेफ्टी नोट लगा देनी। से देख लो, एक काम आएगी, 2-3 बार टेस्ट होगा इसका, नंबरिंग होगी। ठीक है सर। मैंने लगा दी बीच में रीफ नोट, क्या कर देना है, लूप बनाया उसको यहां से थंब के ऊपर से रोटेट करना है, और एक बार फिर उसको रोटेट करना उसी थंब के ऊपर से। ठीक है, फिर और उस जो एंड है उसको यहां दोनों के बीच से निकालना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह क्या वो उसकी शेप आएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल शीट बैंड, मतलब थंब के ऊपर डबल रोटेट कर देना इसको, और फर्म हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, तो साथ में क्या है यहाँ पर सेफ्टी नोट, सेफ्टी नोट लगा देनी। अच्छा, इसमें भी सेफ्टी नोट दोनों साइड, दोनों साइड आएगी, दोनों साइड के इसमें सेफ्टी नोट आएगी। कुछ इस तरह तक क्लियर हो गया? जी सर। अनइक्वल डायमीटर के लिए, अब आता है इक्वल डायमीटर के लिए, जिसका डायमीटर क्या वो इक्वल है, दोनों एंड को ऐसे ज्वाइन करना है, इधर देख लो पहले ना, दोनों एंड को ज्वाइन कर दिया, और इसके ऊपर क्या आप लोगों ने एक
सेफ्टी सेफ्टी नोट लगा देनी दोनों साइड कुछ ऐसे, सेफ्टी नोट लगा दी और उसको टाई कर दिया, कुछ इस तरह की क्या वो नोट बनेगी, ये नोट कहीं नहीं जाएगी, जितना मर्जी खींचो नहीं निकलेगी, रिलीज ही नहीं होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं फिशरमैन, सिंगल फिशरमैन नोट। पास करना ऐसे कुछ इस तरह, इसकी ड्रेसिंग कैसे करनी है, मतलब कि देखने में अच्छी लगनी चाहिए ना जी सर, इसको बोलते हैं डबल फिशरमैन। ये जो नोट लगी है यहाँ देखो, ये समझ गए, और इसको जब ऐसे आप खोलेंगे तो ऐसे दिखनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर हमने क्या वो सेफ्टी नोट लगाई है ना, उसको क्या हो बाद में वैसे रिलीज करेंगे, मतलब ये जाएगी कहीं भी नहीं, समझ गए। जरा लगाओ वाला एक बार फिशरमैन नोट लगाओ, सिंगल फिशरमैन अपने अपने नंबर के ऊपर सिंगल सिंगल फिशरमैन नोट लगाओ जरा, इसके लिए यूज होती है ये सर, डबल सिंगल सिंगल लगानी, सिंगल बताओ जरा मेरे को, सिंगल फिशरमैन और वहां से क्या हो पास कर दो ऐसे, समझ गए, और आपस में इनको ज्वाइन कर दो जी भाई। सर ये देखना ठीक है, ड्रेसिंग बनेगी ना चार बड़ा पुराने चाहिए। रीफ नोट, कौन सी नोट है, रीफ नोट, रीफ नोट है, दो एंड है, दो एंड में राइट ओवर लेफ्ट और लेफ्ट ओवर राइट, ये दोनों साइड क्या वो सेफ्टी नोट लगा देनी है आपने जी सर, क्या लगा देनी है सेफ्टी नोट, जाती इक्व डायमीटर के लिए। हाँ जी, रीफ नोट, कौन सी नोट है, रीफ नोट, रीफ नोट, आर डब्ल्यू ई एफ ए एन नोट, कैसे लगानी है एक बार फिर से देख लो, इधर इक्व डायमीटर के लिए राइट ओवर लेफ्ट, ठीक है, एक ये बन गया लेफ्ट ओवर राइट, ये राइट ओवर लेफ्ट, लेफ्ट ओवर राइट, राइट, ठीक है। और इस रोड को चेक करना हो तो कुछ ऐसे ऐसे यूज करना हो तो ऐसे यूज होती है, मतलब कि ये ठीक लगी नोट आपके दोनों साइड क्या वो सेफ्टी नोट लगा देनी है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गई जी सर, और सीखनी है जी, ठीक है सर, कितनी नोट होगी फिर लेक्चर होगा तो उसमें और बताएंगे, फिर जो स्पेशल नोट रहती है वो स्पेशल नोट बताएंगे, तो जब तक आपको ये बेसिक नोट जो भी मैंने बताई 14-15 ये नहीं आएंगी तो आगे बताने का कोई फायदा नहीं है, यस सर। तो जिस जो 14 नोट्स बताई हैं ये आप डॉर्मेटरी में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रात को जैसे फ्री मिले, जिसको आती है वो एक दूसरे को क्या वो हेल्प कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है, अभी मैं लेक्चर को काफ़ी लंबा खींच गया ये, तो अभी जो ये रोप है, रोप को कॉइलिंग का बताता हूँ मैं, रोप को कॉइल कैसे करना है, ठीक है, ठीक है। एंकरिंग नोट में जो फर्स्ट नोट है दैट इज फिगर ऑफ एट नोट, कौन सी नोट,
फिगर ऑफ एट नोड फिगर ऑफ एट नोड अब इसमें कंडीशन है एंकरिंग में. एंकर व्हाट इज एंकर? एंकर इज अ फर्म प्रोजेक्शन. इट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. एंकर मतलब आप ऊपर कहीं ऊपर टॉप पे जा रहे हैं और आपने एक आदमी तो ऊपर जाएगा पहले, उसने रोप को बांधना है, ठीक है. किसी रोप में बांधेगा मतलब वो मजबूत रहेगी ताकि जो पीछे वाली पार्टी उस रोप को पकड़ के या क्लाइम करके जैसे मर्जी ऊपर आएंगे, ठीक है. उसमें भी एंकर क्या दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल होगा और एक आर्टिफिशियल. नेचुरल में आप क्या आता है, जैसे ट्री हो गया, बड़ा सा पत्थर बोल्डर हो गया, रॉक हो गया, ठीक है, आयरन बार हो गया. आयरन बार तो हम खुद लगाएंगे, ठीक है. रॉक बोल्डर ट्री ये क्या आते हैं नेचुरल एंकर में, जो नेचर में है, ठीक है. सेकंड वन इज आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल जो हम उसमें लगाएंगे वो भी आपको बताएंगे कौन कौन से आर्टिफिशियल एंकर होते हैं, ठीक है. आयरन बार हो गया, उसमें रॉक के पिटन आएंगे, शेलो एंगुलर, एंगुलर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जैसे जैसे क्रैक होगा, जैसे जैसे कंडीशन मिलेगी, फ्रेंड्स लगाएंगे, चॉपनर लगाएंगे, वायर बेल्ट लगाएंगे, ठीक है. वो हम स्मोक स्टाइल किसमें नहीं लगता, आइस का आइए, ठीक है. तो रॉक की बात कर रहा हूँ मैं, ये चीज लगेंगी. अब पहले हम लगाते हैं नेचुरल एंकर में. ये भी नेचुरल है जी सर? है ना? नहीं सर. नेचुरल है? नो सर. नेचुरल है ठीक है. इसमें मैंने फिगर ऑफ एट नोट कैसे लगानी है, पहले तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ एट नोट बनाऊंगा मैं. बन गई? यस सर. अब इस रोप को यहां से घुमाना है, समझ गए जी. अब इसका जो जहां जहां से घूम रही है इसको वहीं से क्या वो फॉलो करना है, ठीक है. इसके एंड जहां जहां से घूम रहा है इसको वहीं से क्या वो फॉलो करना. जैसे यहां से इधर जा रही है ना, इधर जाएगी, इसके बाद यहाँ से अंदर निकल रही है, इधर इसको अंदर डाल देंगे इधर, ठीक है. ये यहाँ से इधर निकल रही, फिर घूम रही है इधर, घूमने के बाद इधर से फिर घूम रही है ये, ठीक है. और इसको रीथ्रेड करना है, मतलब जो रोप जहां से मूवमेंट हो रही है उसको वहीं पर क्या हो रीथ्रेड कर देना है, समझ गए? यस सर. बन रहा कुछ फिगर ऑफ एट बन रही है? जी सर. बन रही है ना? लास्ट में बच जाएगी तो यहाँ पर आपने क्या वो सेफ्टी वन रूट नहीं होती फिगर ऑफ एट में, रेगी लगा देनी, समझ गए जी सर. ये तो थी आर्टिफिशियल एंकर के लिए जी सर. नेचुरल एंकर के लिए जी नेचुरल हैं, लोगों को नींद लगी लग रहा है मेरे को, समझ गए जी सर. शुरू में बता देते थी तीजा नहीं लाने, यहाँ तक बनाओ जरा पहले फिगर ऑफ एट बनाओ ऐसे, समझ गए जी सर. कौन सी नोट है ये? फिगर ऑफ एट फोर नेचुरल एंकर. सर सही है? ठीक है. और आर्टिफिशियल एंकर में कुछ नहीं करना है, दो रोप को ज्वाइन करना है ऐसे रोप को, इसको यहाँ से बनाओ, यहाँ से डालो. और ये फॉर एग्जांपल मेरा आर्टिफिशियल एंकर है, मैं उन्हें ऊपर कोई आयरन बार लगाया या फिर लोहे का कोई ऐसी चीज लगाई जो फॉर्म है उसको हमने ऊपर से डाल देना, ये आर्टिफिशियल नेचुरल एंकर में काम करेगा, ठीक है. कैरबिनर डालना तो कैरबिनर में इसको डाल सकते हैं, पास कर सकते हैं. क्लियर हो गया इसको? जी सर. सेकंड वन इज ए क्लोव हिच नोट. कौन सी नोट है? क्लोव हिच नोट. क्लोव हिच नोट जो है ये भी आर्टिफिशियल एंकर और नेचुरल एंकर में यूज होती है. क्या है सर? क्लोव हिच, सी एल ओ वी ई H-I-T-C-H, Clove hitch knot. ये कौन सी आपकी जो लेबरल लोग यूज करते हैं, बेलचे में लगाते हैं ना? हाँ जी. बेलचे में लगाते हैं ना, उसको क्लोव हिच नोट बोलते हैं, समझ गए? अब नेचुरल एंकर में कैसे लगानी है? नेचुरल एंकर में कुछ नहीं करना है, इसको रोप को पास करना है
यहाँ एक ट्विस्ट बनाना है, समझ गए? यस सर। ठीक है, और जो ये वाला एंड है इसको ऊपर से क्या फॉलो करना है फिर से, और यहाँ से क्या है इसको निकाल लेना है। ये नोट लगाते हैं ना जी, और तो लगाते कोई ये लगाते ना, और लास्ट में क्या यहाँ पर फिर आपने सेफ्टी सेफ्टी नोट क्या लगा देनी, समझ रहे? ये नोट की इंच आएगी नहीं, ये वेज होगी, वेज इन द सेंस इसके ऊपर जितना वेज वेट डालेंगे ये सिकुड़ेगी नहीं, मतलब वेज नहीं होगी, खुलने को इजीली रहेगी। ठीक है, इस नोट को बोलते हैं स्लो विच नोट फॉर नेचुरल एंकर, आर्टिफिशियल होता तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्लो विच नोट फॉर आर्टिफिशियल एंकर, इधर देखो एक लूप अंदर की तरफ, एक लूप बाहर की तरफ, और इन दोनों लूप को क्या आपस में ज्वाइन कर देना है, एक लूप अंदर की तरफ इनर साइड एंड वन लूप आउटर साइड, और दोनों लूप को क्या वो ज्वाइन कर देना है और आर्टिफिशियल एंकर में डाल देना है इधर, देख रहे हैं? यस सर। जिसका एंड बचेगा उसमें सेफ्टी नोट लगा देनी, समझ गए? यस सर। सेम प्रोसेस इसमें नेचुरल एंकर में, इधर देखो आप किसको कोई प्रॉब्लम आ रही थी ना, ये लूप बन गया 15 लूप, और इसी एंड को इसके ऊपर से घुमाना है, फिर एक बार घुमा दिया, इधर देखो घुमा दिया ना, और इसको फिर यहां से बीच में डाल देना इधर, समझ गए? और यहां पर क्या हो सेफ्टी नोट लगा देने, ये तो हो रही है कुछ, इधर देखो लूप बनाने में क्या है वो प्रॉब्लम आती है, इसके रोप के नीचे से ये एंड आ रहा है ना, रोप के एंड से नीचे से नीचे से, ठीक है, अब इसको जो घुमाना है इसके ऊपर से घुमाना है, घुमाओ ऊपर से, घुमा दिया, अब इसको यहाँ से बीच से निकाल देना, ना ना ऊपर से यहाँ से डाल दे, कट टाइट इसको दोनों साइड से टाइट कर लो ऐसे, उसके बाद आएगी अल्पाइन बटरफ्लाई, थर्ड वन इज Alpine butterfly. Alpine butterfly. Alpine butterfly. And cafe. Sorry. Alpine butterfly. ये भी एंकरिंग है। एंकरिंग मशीन। Alpine butterfly कैसे करेंगे उसको? कैसे लगाएंगे? Alpine butterfly simple method जो है। ये रोप है। इसको अपने हाथों में तीन बार घुमाओ ऐसे। घुमा दिया? Yes sir. पहला वाला लूप है इसको लास्ट में लेके जाओ, ठीक है, जो सेकंड वाला है उसको भी लास्ट में लेके जाके इन दोनों के बीच से निकाल देना है ऐसे, गड़बड़ सही है सर, यार तू भी रिकॉर्डिंग कर रहा है थोड़ा मैं देखने दे, देखने दे ना, ओके सर, इधर बाद में देखते रहना पूरा आराम से, सॉरी सर मुझे नहीं आया सर, ठीक है बता सॉरी, पता क्या होता है, एक लूप बना लिया, दो लूप, तीन लूप, ऐसे बन गए तीनों लूप, देखो इजी मेथड है इसका जी सर, ठीक है, जो पहला वाला जो है ना ये लूप बना है इसको ले जाना है यहाँ लास्ट में, ठीक है, जो सेकंड वाला ये सेकंड है ना, सेकंड वाले को इन लास्ट के बीच से या नीचे यहाँ से निकालना है, इसके लास्ट से रुको अंदर से निकालना सर, ये फर्स्ट ये सेकंड इसके अंदर से निकालना है ऐसे, ये निकाल रहा हूँ अंदर से मैं, ये इसको ऊपर खींचना है, ठीक है, बाद में ऐसे ड्रेसिंग बनानी इसकी, ठीक है ड्रेसिंग कर इसकी, ड्रेसिंग नेचुरल एंकर करो, वहाँ का सीन देखिए नेचुरल एंकर में नहीं होता आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ठीक है, उसके बाद फोर्थ वन कितने हुए, तीन हुई दो हुई तीन सर, तीन होगी ना अल्पाइन बटरफ्लाई, ओके फोर्थ वन इज अ हैंडकफ नोट, हैंडकफ नोट, फोर्थ वन इज अ हैंडकफ नोट, नोट सी यू डब्ल्यू सी ओ यू जी एच वाला मतलब आना इसमें कफ, एच ए एन डी सी यू डब्ल्यू हैंडकफ, कैसे लगाना है हैंडकफ नोट, देखो ना आपने एक
इनर रूप बनाना, एक आउटर रूप बनाना, जैसे आप क्लोव इस नोट बना रहे थे। अब इन जो दो जो लूप है इनको बीच से क्या हो क्रॉस कर देना है ऐसे, ठीक है। और इस नोट को हथकड़ी नोट भी बोलते हैं, इसके यहाँ से आप टाइट कर देंगे इसे हथकड़ी नोट भी बोलते हैं इसको। बीच से अगर ऐसे कैसे करना है, करना बीच में दो मिनट। एक इनर लूप एक आउटर लूप, ठीक है। और इसको क्या हो बीच से क्या क्रॉस करना है, ऐसे क्रॉस बनाओ, क्रॉस बन गया। और इन क्रॉस को दोनों को अपोजिट क्या वो खींचना है ऐसे, तो जब ना ज्यादा ठीक है छुट्टी है एक इनर एक आउटर दोनों को क्रॉस करके फिर खींच देना, समझ गए जी सर। एक बार और देखो इधर रुक, आप मत आप लोग मत बनाओ ना, पहले देखो इधर एक इनर लूप एक आउटर लूप इसको क्रॉस कर देना ऐसे, ठीक है। और अपोजिट में इसको क्या रुक खींच देना ऐसे, समझ गए ओके। आगे बढ़ते हैं अपना, डबल एंकल में काम, डबल एंकल में जी बिल्कुल डबल एंकल।